बक्सर में मुंडन संस्कार व तनाव को लेकर रामरेखा घाट पर लाखों लोगों की भीड़ पहुंची थी, जिसके कारण नगर में ट्रैफिक व्यवस्था ढीला पड़ गया था। सिंडिकेट से लेकर मॉडल थाना चौक तक लोग जाम में फंसे हुए रहे। वहीं मुंडन संस्कार और तनाव को लेकर पूरा रामरेखा घाट खचाखच भीड़ रहा, जहां गंगा में लोगों ने स्नान कर अपने बच्चों का मुंडन कराया, पर प्रशासन और पुलिस या महिला सिपाही तक नहीं दिखी, ना ही कोई प्रशासनिक नाव। अगर कोई ऐसे में हादसा होता तो क्या इसकी जवाबदेही किसकी होगी। वहीं नावकों की मनमानी से लोग बहुत परेशान दिखे। लोगों का कहना है कि 5 लोगों के लिए 5,000 मांग रहे हैं, 1 लोग का 1,000, ऐसे में क्या कोई बक्सर के नाव पर ये लोग आस्था जैसे स्थल पर लूट मचाए हैं। आपको यहाँ पर प्यार इन लोगों को मना है, मनमानी और से पैसा मांग रहे हैं, 5 आदमी बैठाएंगे इतना पैसा देना होगा, और नहीं तो सिंगल लीजिएगा उसमें 5,000 रुपया मांग रहे हैं पैसा। एक लोग कितना मांग रहे हैं? 5,000 रुपया मांग रहे हैं। कितने लोगों का? कितने लोगों ने पूरी नाव के लिए मांग रहे हैं? पूरी नाव के लिए 5,000 रुपया। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं, बोलने वाला भी नहीं। और समस्या क्या रही है आपको यहाँ पर? समस्या सबसे समस्या नाव की ही आ रही है, सबसे समस्या ये घाट की है। कब कौन कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है, कब किसी एक्सीडेंट हो जाएगा कोई नहीं जानता है, बच्चा या बूढ़ा हो जवान, सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस प्रशासन दिखाई दिया? कहीं नहीं, जीरो है। पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी? कहीं नहीं। यहाँ घाट आप भी देख लीजिए, आप घुमा लीजिए कैमरा कहीं पे है। अब नाव के बारे में हस्तक्षेप करवाइए, बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कितनी भीड़ में जनता सब है, सबको प्रॉब्लम आ रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग आए मुनार थाना से। क्या नाम पड़ेगा आपका? अक्सर में बच्चों के मुंडन तनाव के वक्त रामरेखा घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं से गंगा में रस्म अदायगी के लिए नाव का सहारा लिया जाता है, जहां मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए मुंडन तनाव कराने के लिए 5,000 तक की डिमांड की जाती है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। जबकि बच्चों के तनाव में पहुंचे श्रद्धालु अपने नाविकों के बीच कहासुनी देखकर आए। श्रद्धालुओं ने मीडिया से अपनी फरियाद सुनाते हुए बताया कि बक्सर रामरेखा घाट पर नाविकों द्वारा मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। श्रद्धालुओं ने बताया कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या इन लोगों की वजह से तनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी? इस मामले में प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। श्रद्धालुओं ने मीडिया से अपील करते हुए यह भी बताया कि इस मामले में गंभीरता से आप लोग आवाज बुलंद कीजिए, ताकि प्रशासन इस पर संज्ञान ले। आइए सुने श्रद्धालु तथा नाविक क्या कह रहे हैं। एक बार में कभी मन पांच गई थी, कितना पैसा ले रहे हो तुम लोग नाव का? बाबू बोलिए। अरे सच्चाई जो 1700। कितने आदमी का है? कितने आदमी का? खाली रहता तो सब आदमी को लेके जाते, 15-10। अभी तो खाली है, अभी तो खाली है, देख रहे हैं। 5 आदमी ले जा रहे हैं, सबको देखना है हम लोग को ना। कितने आदमी लोग तुम लोग? बिना खाले पीना आया है यहाँ पर घाट पर, सबको देखना है। अरे दादा खा लो ना, बल्टी खा गया, बल्टी खा गया, देखे बल्टी खा गया। वही नमामि गंगे भी फेल होता साबित दिखाई दिया। महिलाओं को भी कोई सुविधा नहीं दिखी कि वो अपना वस्त्र कैसे बदले। महिलाओं का कहना था कि ऐसे ऐतिहासिक नगरी में, रामरेखा घाट कहे जाने वाले राम की नगरी में, कोई सुविधा नहीं, ना ही महिला पुलिस की सुविधा है। ऐसे में महिला के साथ कुछ हो भी तरह भी है तो कोई क्या करेगा। बाहर गेट पर 2 सिपाही खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस पदाधिकारी होना चाहिए सुरक्षा के लिए। आप भी देखें इस न्यूज में। आज मुंडन संस्कार है और तनाव भी है, अब भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था रामरेखा घाट पर नहीं है। ये विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट है, मुंडन संस्कार को लाखों लाख के यहाँ भीड़ लगता है, लेकिन यहाँ चुप जिला प्रशासन की कहा जाएगा। एक भी सिपाही, चाहे दरोगा चाहे मजिस्ट्रेट दिखाई पड़ते हैं घाट पर? आप ही बताइए, किसी प्रकार का अनहोनी हो जाए इसका जिम्मेवार कौन होगा? जैसे कि मेढक जो होते हैं ना, बादल जब देखते हैं टरम टरम करने लगता है, उसी तरह किसी प्रकार के यहाँ अनहोनी हो जाएगा तो राजनीति लोग, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, सब लोग जुट जाएंगे रामरेखा घाट पे। ये कैसे हो गया? कहाँ दिखाई पड़ रहा है? न मजिस्ट्रेट दिखाई पड़ रहे हैं, न पुलिस दिखाई पड़ रहे हैं, न जिला प्रशासन के भी कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। मुंडन संस्कार 16वां संस्कार में एक संस्कार लिखा हुआ है, शास्त्र में है, हर बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। वही बच्चा अफसर होते हैं,
जो वेद शास्त्र का मुताबिक अपने काम करते हैं। यहाँ लमसम 3 बजे सुबह से ही स्टार्ट है। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर आ चुके हैं। कोरोना काल के बाद ये दूसरा हुआ इतना भीड़ रामरेखा घाट पर। हम जिला प्रशासन डीएम साहब से, एसपी साहब से, पुलिस बल के लिए हम मांग करेंगे, डीएम साहब से भी मजिस्ट्रेट साहब के लिए मांग करेंगे कि यहाँ गोताखोर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट बहाल होना चाहिए। रामरेखा घाट पर सीसी कैमरा जो बंद पड़ा हुआ है उसको हाल ही में चालू करवाया जाए। मैं डीएम साहब से यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी संख्या में महिलाएं आती हैं यहाँ पर, लेकिन महिलाएं के लिए कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पर। कहाँ दिखाई पड़ रहा है, नमामि गंगे फेल है। नवरतों के लिए कपड़ा बदलने के लिए यहाँ व्यवस्था है, आने एक भी महिला पुलिस दिखाई पड़ रही है रामरेखा घाट पर। तुम लोग को सुरक्षा करे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम लाला बाबा गंगा आरती मुख पुजारी रामरेखा घाट बक्सर।